दोस्तों, शांति प्रिया ने अपना अभिनय करियर 1991 में अक्षय कुमार की फिल्म सौगंध से शुरू किया था, लेकिन हाल ही में अभिनेत्री ने खुलासा किया था कि अभिनय में वापसी करने के लिए उन्होंने अक्षय कुमार से संपर्क किया, लेकिन पहले अक्षय ने काम दिलाने का वादा किया और फिर बाद में कन्नी काट। वही अब अभिनेत्री ने नया खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें 1993 में आई सनी देओल की फिल्म वीरता की शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म की शूटिंग के बाद वो सिर्फ एक गाने में नजर आई। हाल ही में दिए इंटरव्यू में शांति प्रिया ने वीरता में सनी देओल के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये बहुत खराब फिल्म थी, मैं इसमें नहीं थी, मैं वहाँ सिर्फ एक गाने में हूँ। ये मेरी जिंदगी में इसलिए नहीं आती क्योंकि ये सिर्फ एक गाना है, क्योंकि मुझे रिप्लेस कर दिया गया था। मैं सिर्फ गाने में हूँ, फिल्म में कहीं नहीं। मैं सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वहाँ पक्षपात था, मुझे ये भी नहीं पता कि फिल्म कब रिलीज हुई। वीरता में सनी देओल, जया प्रदा और प्रसेनजीत चटर्जी ने अभिनय किया था। इस पर शांति ने कहा कि वहाँ सनी देओल, जया प्रदा, बंगाली एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी वहाँ थे और मुझे उनके अपोजिट होना था। मुझे मेरे किरदार के बारे में जो बताया गया था वो वहाँ था ही नहीं, इसलिए मैंने फिल्म को अलविदा किया।